नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम पर बात करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ का बैलेंस करता है भस्त्रिका प्राणायाम। जब ये वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर में दोष होते हैं, लेकिन ये दोष जब तक बैलेंस स्थिति में है तो आपका शरीर ठीक से कार्य करता है, आप स्वस्थ रहते हैं। और इनका इनबैलेंस, इनका संतुलन ही रोगों को उत्पन्न करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है, लेकिन सही विधि से आप करें तभी यह संभव हो पाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? भस्त्रिका प्राणायाम में आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखें, अंजलि मुद्रा बनाएं या ध्यान मुद्रा, डीप श्वास लें, डीप श्वास छोड़ें। मृदु भस्त्रिका, पहले मृदु भस्त्रिका, जिन्हें बीपी हाई रहता है, एक्यूट अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो मृदु भस्त्रिका करें धीरे धीरे। श्वास लें, गहरे श्वास लें, गहरे श्वास बाहर छोड़ें। तो इस प्रकार से इसे आप लगभग 5 मिनट तक प्रतिदिन कर सकते हैं। अब जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने आपको बताई, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो व्यक्ति थोड़ा स्वस्थ हैं या दूसरे अन्य रोग हैं, वो थोड़ा स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो जितना श्वास आप भर रहे हैं उतना ही श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। जिस फोर्स के साथ आपने श्वास को भरा, उसी फोर्स के साथ आपने श्वास को बाहर छोड़ा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार इसको गलत तरीके से करते हैं कि आप इस प्रकार से ये गलत प्रक्रिया हो जाती है। देखिए, योग में कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें, योग बहुत सहजता से करना चाहिए। तो धीरे धीरे श्वास को एक फोर्स के, मध्यम फोर्स के साथ श्वास को भरें, मध्यम फोर्स के साथ ही श्वास को बाहर छोड़ें। तो इसका अभ्यास आप लगभग 7 मिनट तक हर रोज करें तो आपके दोष बैलेंस होंगे। आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शरीर में कोई भी रोग, ये सभी रोगों में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। शरीर की सभी सेल ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाती है, पूरी ऑक्सीजन बॉडी में फैलने लगती है, शुद्ध ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूसरी विषैली गैसें, विषैले तत्व श्वास के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को सही विधि से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग पार्कों में बैठकर या गलत ढंग से टीवी पर देखकर कई बार गलत प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं तो कईयों को नुकसान हो जाता है। गलत तरीके से करने से प्राणायाम के नुकसान भी हैं। तो आप सही विधि से करें, अपने प्रकृति के अनुसार करें, अपनी बॉडी क्षमता के अनुसार करें। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज योग गुरु राजेश को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको सही समय पर योग और आयुर्वेद से संबंधित वीडियो मिलती रहें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।